आज हम बनाने जा रहे हैं रोज फिरनी। उसके लिए हमें इन चीजों की जरूरत है। दूध आधा लीटर, चावल 1/4 कप, जिसे हमने 2 घंटे पहले भिगो दिया था, फिर मिक्सर में इसे दरदरा पीस लिया है, चीनी 4 टेबल स्पून, गुलकंद 2 टेबल स्पून, ये होममेड है, इसकी वीडियो लिंक ऊपर दिया गया है, हरी इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून, गुलाब जल 1 टेबल स्पून, गुलाब की पत्तियां गार्निश के लिए। तो चलिए फिरनी बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन ऑन करेंगे, गैस को मीडियम पे रखेंगे। सबसे पहले दूध डालेंगे। दूध जब हल्का गर्म हो जाएगा तो इसमें ये पिसे हुए चावल डालेंगे। दूध हल्का गर्म हो गया, अब इसमें चावल डालेंगे। चावल को बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, थोड़ा दरदरा पीसना है। चीनी डालेंगे और इसे लगातार स्टर करते रहेंगे ताकि ये नीचे नहीं लगे। फिरनी को लो आंच पे ही पकाना है और लगातार स्टर करते रहना है ताकि ये नीचे नहीं लगे। 5-6 मिनट हो गए हैं इसको पकाते। अब इसमें हम गुलकंद, रोज वाटर और इलायची का पाउडर मिक्स करेंगे और इसे अब हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। लगातार स्टर करते रहना है। फिरनी गाढ़ी हो चुकी है, अब हम गैस करेंगे बंद। इसमें हमने कोई कलर यूज नहीं किया, इसका नेचुरल इसका कलर रखा है और अब हम इसको शिकोरे में ट्रांसफर करेंगे और फिर ठंडी हो जाएगी तो फ्रिज में रखेंगे। इसको गरम गरम ही डालना है। सारी फिरनी को हमने शिकोरे में डाल दिया है, अब इसको फ्रेश गुलाब की पत्तियों से गार्निश करेंगे। अब फिरनी को ठंडा होने देंगे, फिर इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे चिल्ड होने के लिए, क्योंकि फिरनी को चिल्ड ही खाया जाता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।